नमस्कार आप देख रहे हैं देवभूमि आपके साथ मैं दीपिका सिंह करेंगे खबरों की शुरुआत उत्तराखंड में चुनाव प्रबंधन समिति का ऐलान हुआ है लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने बड़ी घोषणा की है अड़तीस विभागों के पार्टी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में ये प्रबंधन समिति का गठन किया गया है सांसद नरेश बंसल को बनाया गया है चुनाव संयोजक पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत बने हैं समिति प्रमुख इधर विजय बहुगुणा को विशेष संपर्क अभियान की जिम्मेदारी सौंपी गई है लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में बीजेपी ने चुनाव प्रबंधन समिति का ऐलान किया घोषणा पत्र समिति के प्रमुख का जिम्मा पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और विशेष संपर्क अभियान का जिम्मा पूर्व सीएम विजय बहुगुणा को सौंपा गया है जबकि नरेश बंसर को चुनाव प्रबंधन समिति की संयुक्त जो तो संयोजक है उनकी जिम्मेदारी सौंपी गई है जानकारी के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में बनी इस समिति में अड़तीस विभागों के लिए पार्टी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है इधर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल में एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लिया है इस दौरान उन्होंने किसानों के आंदोलन को लेकर कहा है कि सरकार यदि किसानों के हित में नहीं होती तो पांच पांच बार बातचीत के लिए न्यौता नहीं देती हर बार बातचीत में सरकार किसानों के हित में दो कदम आगे बढ़ती है उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि देश में चुनाव होने वाले हैं इसीलिए किसानों को वार्ता के माध्यम से मसले का हल निकलना चाहिए वार्ता नहीं करती और वार्ता करके हर बार किसान के हित में सरकार दो कदम आगे बढ़ती है तो मैं आपके माध्यम से किसानों से किसान संगठन के नेताओं से अपील करना चाहूँगा कि देश में चुनाव होने वाले हैं और इसलिए उनको वार्ता के द्वारा अपना समाधान निकालना चाहिए नहीं तो नई सरकार बनने तक तो उनको प्रतीक्षा करनी चाहिए इस प्रकार के आंदोलन नहीं करने चाहिए कि देश के अंदर वातावरण बिगड़े अगली खबर लक्सर से है जहां लक्सर के आईपी इंटर कॉलेज में वार्षिक उत्सव का आयोजन हुआ जिसमें उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के अपर सचिव विनोद प्रसाद सचिवी ने बतौर मुख्य अतिथि शामिल शिरकत की है इस मौके पर स्कूली छात्र छात्राओं ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए इस दौरान अपर सचिव ने कहा की शिक्षा रूपी हथियार से हर जगह को जीता जा सकता है वही कॉलेज के प्रबंधक सचिन मित्तल ने कहा कि उनका लक्ष्य केवल और केवल क्षेत्र के बच्चों के ज्ञान में विकास करना है साथ ही साथ सामाजिक संस्कारों को भरकर उनको सच्चा राष्ट्र और समाज भक्त बनाना है तो छात्र छात्राओं ने अब सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जिसमें शिक्षा परिषद के अपर सचिव कार्यक्रम में शामिल हुए आपके कॉलेज में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया इधर लक्षम हे अपर सचिव उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद विनोद प्रसाद सिमल्टी ने बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों पर जानकारी देते हुए न्यूज़ इंडिया से खास बातचीत की उन्होंने क्या कुछ कहा है जरा यह भी जानिए उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के अपर सचिव विनोद कुमार सिमल्टी जी हमारे साथ हैं सर बोर्ड परीक्षाएं सिर पे आ गई हैं सत्ताईस तारीख ये सोलह मार्च तक चलेंगी इस समय हमारे हाई स्कूल में एक लाख सोलह हज़ार आठ सौ तेईस परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं और इंटरमीडिएट में चौरानबे हज़ार से भी ऊपर हमारी छात्राएं और छात्र परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं वर्तमान में हमारे इस साल बारह सौ परीक्षा केंद्र बने हुए हैं हरिद्वार में हमारे सौ केंद्र बने हुए हैं सर नकल रोकने के लिए हर बार जद्दोजहद होती है और पिछली बार सरकार वो सख्त भी हुई है कई मामले पकड़ आए इस बार किस तरह का रोड मैप है क्या क्या व्यवस्थाएं हैं कितनी गुंजाइश के साथ में आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से निर्विघ्न और पूरी ईमानदारी से परीक्षा सफल होंगी नकल रोकने के लिए हमारे परिषद के एक्ट में व्यवस्था है अनुचित साधन निवारण अधिनियम 1996 का उसके तहत जो है चकल विहीन परीक्षाएँ कैसे संपादित की जाएंगी ये व्यवस्था दी गई है इस साल हमारे परिषद की ओर से तीन सचल दल गठित हो गए हैं

से संबंधित है पूरा घोटाला जहां पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत समेत अन्य लोगों को ईडी ने समन जारी किया ईडी ने हरक सिंह रावत को उनतीस फरवरी को पूछताछ के लिए तलब किया है अपने कार्यालय बुलाया है इसके अलावा अन्य को अलग अलग तिथियों में उपस्थित होने के लिए कहा गया है तो आगामी लोकसभा चुनाव में युवाओं को मतदान में शत प्रतिशत भागीदारी निभाने के लिए जागरूक किया जा रहा है कार्यक्रम के जरिए हरिद्वार के ज्वालापुर इंटर कॉलेज में युवाओं को जागरूक कर मतदान करने की शपथ दिलाई गई है साथ ही उन्हें मतदान करने का महत्व भी समझाया गया कालेश्वर महादेव मानव सेवा ट्रस्ट की संपादक वैशाली शर्मा ने बताया है कि मतदान करना एक लोकतांत्रिक समाज में नागरिकों के अधिकार का महत्वपूर्ण पहलू है यह एक देश की नीतियों और नेताओं के चयन में नागरिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करता है और लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है कर, धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से, से प्रभावित हुए बिना, बिना सभी निर्वाचनों, निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे इधर नगर में अवैध खनन पर पुलिस की संयुक्त टीम ने देर रात बड़ी कार्रवाई की है खनन में शामिल छह डंपर और एक पोखलेर मशीन को पुलिस ने सीज कर दिया है जिससे खनन माफियाओं में हड़कम मचा आपको बता दें कि पछवादून क्षेत्र में पिछले कुछ वक्त से यमुना आसन और अन्य नदियों पर लगातार अवैध खनन की शिकायतें आ रही थी इन नदियों में खनन माफिया लगातार अवैध खनन कर रहे थे इसी बीच देर रात खनन विभाग की टीम ने सहरसपुरा थाना पुलिस के साथ छापामार कार्रवाई की अवैध खनन की शिकायत मिल रही थी तो आज हमने खनन विभाग और पुलिस विभाग के साथ संयुक्त जांच की तो जांच में पाया कि रात को जो है नदी तल में पोखलेट मशीन और कुछ डंपर लिफ्ट पाए गए तो जिनको सीज करके थाने की सुपुर्दगी में दे दिया गया छह गाड़ियां हैं और एक पोखलेट मशीन है अवैध खनन एक्ट के अकॉर्डिंग ही इनको बंद कर दिया गया अभी ये सीज हो गए हैं इसके बाद चालान होगा ओर हाँ से जीएसटी पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है कार्यक्रम में कारोबारियों की तरफ से उद्योग धंधों से जुड़ी समस्याएं रखी गई हैं सिडकुल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर हरेंद्र कुमार गर्ग ने कार्यक्रम का उद्देश्य विभाग और उद्योगों के बीच में परस्पर संवाद करना बताया है उत्तराखंड का उद्देश्य हमेशा से उद्योगों को विभागों से जोड़े रखना बताया जा रहा है तो जीएसटी पर कार्यशाला का ये खास आयोजन है जहां सिडगुल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने कार्यक्रम का संवाद किया कारोबारियों ने अपनी तमाम समस्याओं से अवगत कराया है जीएसटी पर एक कार्यशाला का आयोजन है जिसका मकसद यही था कि जहां इस जीएसटी कार्यशाला में जो तमाम उद्योगपति हैं जो कारोबारी हैं वह अपना धैर्य रख सके अपनी परेशानियों को बता सके समस्याओं का इसमें समाधान हो पाए तो, तो, तो कारोबारियों ने अपनी समस्याएं रखी हैं ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको जीएसटी पर कार्यशाला का आयोजन तो है तो जिसमें जीएसटी को लेकर सिडकुल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने कार्यक्रम किया है जिसमें कोशिश यही की जाती है कि जो तमाम कारोबारी हैं जीएसटी से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं इस कार्यशाला के जरिए उनको दूर किया जा सके और सुचारू रूप से उनका काम चल सके इसी बीच कारोबारियों ने अपनी तमाम समस्याओं को रखते हुए अपने कारोबार को आगे बढ़ाने की मांग की है सरकार से भी अपील की है कि जीएसटी में जो समस्याएं हैं उन्हें उन समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द किया जा सके चलिए खबरें अभी और भी हैं हैं। वक्त ब्रेक का लौटते वेलकम बैक उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का एक बड़ा बयान सामने आया है दिल्ली में चल रहे आंदोलन को लेकर राजनीति से प्रेरित बता दिया आतिया का कहना है कि जो असली किसान है वो आज भी मोदी सरकार की नीतियों से सहमत है लेकिन कुछ लोग मामले को बेवजह तूल दे रहे हैं इसलिए इस किसान आंदोलन से राजनीति की बदबू आ रही है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कहा है कि बीजेपी अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त है मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी को 370 और एनडीए को 400 से अधिक सीटों पर जीत मिलना तय है इधर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गैरसेण में बजट सत्र आयोजित न किए जाने को लेकर सवाल खड़े किए हैं हरिद्वार है पहुंचे हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड की स्थापना हिमालय राज्य के रूप में हुई है गैरसेण में बजट सत्र आयोजित न कराना हिमालय राज्य का अपमान है हरीश रावत ने कहा कि इस समय पलायन के चलते पहाड़ खाली हो रहे हैं और मैदानी क्षेत्र स्लम्भ बन रहे हैं पूरी आबादी का भार तीन जिलों पर आ गया है प्रदेश में हो रहा असंतुलित विकास महंगा पड़ने जा रहा है इस पर चिंतन होना चाहिए उसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही वक्त छोटे से ब्रेक का ब्रेक के उस पर भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है